આજે આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે રાહુલ ગાંધી, વાત કરીશું રાહુલ ગાંધી સાથે. રાહુલજી કેમ છો? નમસ્કાર. રાહુલજી, સબસે પહેલા સવાલ યે હોતા હૈ કે દેશ કે પ્રધાનમંત્રી ઓર ભારતીય જનતા પાર્ટી કે રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અમિત શાહ દોનો ગુજરાત સે આતે હૈ, તો કહીં ના કહીં ગુજરાત મેં યદિ ઉનકો હરાએ તો હી દિલ્હી કી ગાદી હિલ સકતી હૈ. ક્યા યહી સોચ કે આપને અપના પૂરા જોર ગુજરાત મેં લગાયા હૈ? નહીં, તીન ચાર મહિને પહેલે હમ ગુજરાત ગયે, યાત્રા શરૂ કી, ઓર યાત્રા કા લક્ષ્ય થા કે ગુજરાત કે દિલ મેં જો હૈ વો હમ સુને ઓર ઉસકે બેસિસ પે હમ એક ગુજરાત કે લિયે વિઝન મેનિફેસ્ટો ફ્યુચર ડાયરેક્શન નિકાલે. સબસે મિલે હમ કિસાનો સે, આપને દેખા આપસે ભી સવાલ પૂછે, કિસાનો સે મિલે, મજદૂરો સે, સબસે મિલે હમ, હર સમાજ સે, ઓર હમને ઉનસે પૂછા આપકે દિલ મેં ક્યા હૈ, આપકી મન કી બાત ક્યા હૈ, ઉસકે બેસિસ પે હમને મેનિફેસ્ટો બનાયા. હમને સોચા થા કે બીજેપી અપને પિછલે 22 સાલ કે રેકોર્ડ કો ડિફેન્ડ કરેગી, ગુજરાત કો એક વિઝન દેંગી, મગર નહીં દિયા. નર્મદા સે શરૂ કિયા, ફિર કહા કે ઓબીસી પે લડેંગે, ફિર કહા વિકાસ કી યાત્રા શરૂ કરો, યાત્રા નહીં ચલી. તો વો અપના કેમ્પેન બનાઈ નહીં પાએ. એન્ડ મેં આપને દેખા નરેન્દ્ર મોદીજી કે ભાષણો સે ભ્રષ્ટાચાર શબ્દ નિકલ ગયા, વિકાસ શબ્દ નિકલ ગયા, આધા ભાષણ કોંગ્રેસ પાર્ટી કે બારે મેં ઓર આધા ભાષણ અપને બારે મેં. યે ચુનાવ ના નરેન્દ્ર મોદીજી કે બારે મેં, ના મેરે બારે મેં, ના બીજેપી ના કોંગ્રેસ, યે ચુનાવ ગુજરાત કી જનતા કે બારે મેં હૈ. ઓર કોંગ્રેસ ને અબ એક પ્લેટફોર્મ દિયા હૈ ગુજરાત કે ડેવલપમેન્ટ કા, એક બહોત પાવરફુલ પ્લેટફોર્મ. ये हमारा लक्ष्य था और इसको हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है. अब उस प्लेटफॉर्म का इम्प्लीमेंटेशन जब हमारी सरकार आएगी, उस प्लेटफॉर्म का इम्प्लीमेंटेशन होगा. राहुल जी, दूसरा सवाल ये भी है कि जब भी चुनाव होता है गुजरात में तो भारतीय जनता पार्टी भावनात्मक मुद्दों को आगे रख के चुनाव लड़ती है और काफ़ी सफल भी हुई है गुजरात में. आप उन मुद्दों को स्पर्श नहीं करते और आपने काफ़ी नुकसान भी हुआ ऐसा लगता है. क्या आप मानते हैं कि भावनात्मक मुद्दों को आप स्पर्श नहीं करते, इससे आपको नुकसान हुआ है? नहीं, बीजेपी और मोदी जी डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं. मेन जो फीलिंग्स हैं, किसानों के जो मुद्दे हैं, समाज में सब लोगों के मुद्दे, आशा आंगनवाड़ी महिलाओं के मुद्दे, युवाओं के मुद्दे, उस पर बात नहीं करते हैं क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं है एक्चुअली. अगर आप, इंटरेस्टिंग बात है, मैंने पहले सोचा था कि रिकॉर्ड है, मगर जब हम गहराई में गए रिकॉर्ड ही नहीं है. 15 लाख रुपए इंजीनियर बने बनने के लिए, 90% इंजीनियरिंग कॉलेजेस प्राइवेट हाथों में, सरकारी कॉलेजेस यूनिवर्सिटी नॉन एग्जिस्टेंट, हस्पतालों में नर्सेज, पब्लिक हस्पतालों में नर्सेज डॉक्टर्स हैं ही नहीं. इलाज करवाना है, प्राइवेट अस्पताल में जाइए, लाखों रुपए दीजिए, फंडामेंटल्स है. तो ये मतलब, ये तो बिल्कुल आसान था हमारे लिए एक प्रकार से. डिस्ट्रैक्शन करते रहते, मगर इस बार सफल नहीं होगा. इस बार गुजरात ने मन बना लिया है. क्या मानते हैं गुजरात की जनता किस आधार पे वोट करेगी? सच्चाई पे, सच्चाई के आधार पर. जो सच्चाई पूरे गुजरात को दिख रही है, नोटबंदी की सच्चाई, गब्बर सिंह टैक्स की सच्चाई. मैंने भाषणों में बोला, कुछ दिन पहले चाय की दुकान में मालिक से बात हुई, वो कहता है राहुल जी 50% हमारी आमदनी कम हो गई है, गब्बर सिंह टैक्स ने 50% हमारा पैसा छीन लिया है. सूरत में चले जाइए, अहमदाबाद में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, पूछ लीजिए व्यापारियों से, पूछ लीजिए स्मॉल मीडियम बिजनेस से, पूछ लीजिए क्या नुकसान हुआ आपका, आपको बता देंगे. नोटबंदी के बारे में आपको बता देंगे कि हिंदुस्तान के सब काले धन वालों ने अपना काला धन सफेद कर दिया. तो ये तो सच्चाई है, रियलिटी है, वो सबको दिख रहा है. बीजेपी के लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं. एक्चुअली मैं आप सच बताऊं तो उनके लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, अंदर से उनके लोग भी कह रहे हैं कि बात नहीं बन रही इस बार. गुजरात के लिए राहुल गांधी का विजन क्या होगा?
गुजरात का विजन गुजरात बनाएगा, गुजरात का विजन गुजरात की जनता की बात सुनकर बनेगा, राहुल गांधी गुजरात के विजन को इनेबल करने की मदद करेगा, सपोर्ट करेगा, मगर गुजरात को गुजरात चलाएगा और गुजरात के लोग चलाएंगे और हम ऐसी सरकार देंगे जो गुजरात की बात सुनेगी और अपने मन की बात नहीं कहेगी, गुजरात के मन की बात सुनेगी और जो भी विजन गुजरात चाहेगा उसको हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए पिछले 3-4 महीनों में, और मैं इस बात को दोहराता जा रहा हूं कि जो प्यार गुजरात ने मुझे दिया है मेरा दिल जीत लिया है। और आप पूछिए, जो लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मेरी बहन से पूछिए, एक बार वो हो गया तो परमानेंट मामला है, वो फिर उसको मतलब मिटाया नहीं जा सकता है। तो आई एम एट द सर्विस ऑफ गुजरात, मेरी कोई भी ज़रूरत हो बस बोलने की ज़रूरत है, मगर विजन गुजरात बनाएगा। अध्यक्ष तौर पे आपकी नई इनिंग शुरू हो रही है, आप काफ़ी मेहनत करते हैं प्रचार में, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा संगठन वाला मामले बीच में आ जाता है, क्या प्रायोरिटी रहेंगी पार्टी अध्यक्ष के तौर पे आपकी? नेशनल जो डिस्कोर्स हो रहा है वो बहुत नेगेटिव तरीके से हो रहा है, पर्सनल अटैक। हमने मणिशंकर जी को पार्टी से निकाला, मोदी जी ने जिस प्रकार मनमोहन सिंह जी के बारे में बोला, मनमोहन सिंह जी ने अपनी ज़िंदगी दे दी है हिंदुस्तान को, सालों काम किया, 91 रिफॉर्म्स, 10 साल सरकार चलाई है, जो नरेंद्र मोदी जी ने बोला एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये जो डिस्कोर्स है इसको बदलना, कांग्रेस पार्टी की ओर से प्यार से भाईचारे से देश को एक साथ आगे ले जाने का डिस्कशन, और जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, प्यार की विचारधारा, गांधी जी की विचारधारा जो आपने हमें दी है उसको हम फैलाएंगे। थैंक यू, बहुत सारे ऑडियंस हैं, थैंक यू। तो आ हता राहुल गांधी कांग्रेस ना राष्ट्रीय अध्यक्ष, जेमनो कहेवुं छे कि गुजरात में जनता की सरकार बनशे, जे जनता नो अवाज सांभळशे।